हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ भारती जायसवाल टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास नाइन वी आर डूइंग ट्राइंगल्स एंड एंगल्स प्रॉपर्टी और हम इसे रिलेटेड थ्योरम कर रहे थे थ्योरम वन हमने कर लिया था थ्योरम टू करेंगे आज तो द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राएंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ Angle PBC and angle QCB intersect at O, then angle BOC equal to 90 degree minus half angle A. ये क्वेश्चन बिना पिक्चर के समझ में नहीं आएगा तो आप फिगर देखिए फिर मैं समझाती हूँ ठीक है तो इस फिगर में मान लिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके ए बी साइड को और ए सी साइड को पी और क्यू तक प्रोड्यूस किया है ठीक है अब ये जो एंगल बन रहे हैं एंगल सी बी पी या पी बी सी और एंगल क्यू सी बी इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी मीन्स ये एंगल जो बन रहा है एंगल बी ओ सी इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए ठीक है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ़ एंगल ए तो चलिए प्रूफ करते हैं क्या क्या गिवन है आपने समझ लिया ए बी सी एक ट्रा दे रखा है जिसके साइड ए बी और ए सी को पी और क्यू तक प्रोड्यूस किया है और जो भी एंगल बन रहे हैं पी बी सी और क्यू सी बी इन दोनों के बायसेक्टर ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी मीन्स ये एंगल जो है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा ठीक है तो लिखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है हमें हमने पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमें ये प्रूफ करना है ठीक है अब आप ध्यान से देखिए कि इस लाइन पे ए पी लाइन पे एंगल ए बी सी और एंगल सी इन, सी बी पी मीन्स ये एंगल और ये एंगल ये दोनों जो हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गए हैं तो लीनियर पेयर ऑफ सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल टू वन एटी डिग्री ये आपने पढ़ रखा है पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल ए बी सी मीन्स ये एंगल एंड सी बी पी मीन्स ये एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री होती हैं अब एंगल बी एंगल ए बी सी जो है और एंगल सी बी पी ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हैं अब आप ये देखिए बी ओ जो है वो सी बी पी का बाइसेक्टर है मीन्स ये एंगल बराबर है इस एंगल के ठीक है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये बाइसेकटर है तो अगर हमने इस एंगल का नाम वन रखा है तो हम इसे भी वन कह सकते हैं इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी को हमने लिख दिया सिंपल बी बी प्लस टू एंगल वन ठीक है दो एंगल वन कर दिया हमने मीन्स हमने सी बी पी के दो पार्ट को जो ये बाइसेक्टर इन्हें दो पार्ट में बाइसेक्ट करती है तो इसे भी वन मान लिया और इसे भी वन मान लिया मतलब वन प्लस वन यानि कि टू एंगल वन इक्वल हो गया सी बी पी के तो हमने सी बी पी के बदले यहाँ पे लिख दिया टू एंगल वन अब इक्वल टू वन एटी डिग्री लिख देंगे ठीक है तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा टू एंगल वन इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस एंगल बी ये एंगल इक्वल टू के शाइन के बाद माइनस होकर आ जाएगा इट मीन्स एंगल वन इक्वल टू हो गया टू से टू चूँकि इसके मल्टीप्लीकेशन में है तो टू से हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री डिवाइड किया तो 90 डिग्री हो गया और माइनस एंगल बी अपॉन टू यानी कि हाफ ऑफ एंगल बी क्लियर सिमिलरली इसी तरह से हम इस साइड में देखेंगे इस ए क्यू साइड में एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी क्यू लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल टू 180 डिग्री ये दोनों भी मिल मिल के बना रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल ठीक है तो इनके सम 180 डिग्री हो गए इसी तरह से हमने ए सी बी को शॉर्ट में लिख दिया एंगल सी प्लस क्यू सी बी को फिर से बाइसेक्ट कर रहा है ये ओ सी तो ये एंगल टू है और ये भी एंगल टू है क्योंकि दोनों बाइसेकट हो रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे तो हम क्यू सी बी के बदले टू एंगल टू लिख सकते हैं मतलब ये भी टू और ये भी टू ये दोनों मिलकर दो एंगल टू बन गए तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्यू सी बी के बदले टू एंगल टू इक्वल टू वन एटी डिग्री नाउ टू एंगल टू इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा ये एंगल सी इधर आ जाएगा माइनस हो के या एंगल टू इक्वल टू इस दो से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस हाफ ऑफ एंगल सी अब हमने एंगल वन की वैल्यू निकाल ली और एंगल टू की वैल्यू निकाल ली अब आप ट्रैंगल ओ बी सी में देखिए इन ट्रायंगल ओ बी सी हमारे पास है एंगल वन प्लस एंगल टू इन ट्रायंगल ओ बी सी क्या है हमारे पास एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी ओ सी बी ओ सी चूँकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं तो वी कैन राइट एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू वन डिग्री अब आप यहाँ पे वन और टू की वैल्यू ये वाली डाल दीजिए तो एंगल वन के बदले हम लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस नाइन्टी डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी और प्लस एंगल बी ओ सी एज इट इज लिख देंगे और इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री वन एटी डिग्री हो गया ठीक है और तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन एटी डिग्री माइनस हाफ को हमने कॉमन ले लिया माइनस हाफ और ब्रैकेट में लिख दिया एंगल बी प्लस एंगल सी हमने हाफ को कॉमन ले लिया और बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर दिया प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू इक्वल टू वन एटी डिग्री क्लियर है अब इस 180 डिग्री को इस साइड ले आते हैं ठीक है अब हमें बस इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं तो वन एटी डिग्री को उस साइड ले जाइए और इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी एंगल बी ओ सी इक्वल टू चलिए सारे को ले चलते हैं इधर एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ एंगल एंगल बी प्लस एंगल सी क्लियर अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया बी ओ सी इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए एंगल बी ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ये एंगल बी प्लस सी जो है इस ट्रैंगल में आप ध्यान से देखिए चूँकि बी प्लस सी प्लस o ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होते हैं इट मीन्स हम इस b प्लस सी के बदले एंगल b प्लस सी के बदले सॉरी इस इस ट्रायंगल में नहीं इस ट्रायंगल में a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर चूँकि 180 डिग्री हैं तो हम b प्लस सी के बदले लिख सकते हैं 180 एटी डिग्री माइनस एंगल ए ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ ऑफ हाफ एंगल 180 एटी डिग्री माइनस एंगल ए हमने इस b प्लस सी के बदले इस चीज़ को लिख दिया क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 180 डिग्री होते हैं तो हम बी प्लस सी के बदले 180 एटी डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं अब ये क्या हो गया एंगल बी ओ सी इक्वल टू इससे दोनों को डिवाइड कीजिए तो ये यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हमें यही प्रूफ करना था ना नी ओ सी एंगल बी ओ सी इक्वल टू होगा Ninth, B, o, C, means, A, 90 एंगल बी ओ सी मीन्स ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हमें यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में यही दे रखा है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हमने प्रूफ कर दिया सो थैंक यू